हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस क्लासेस। तो फोकस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और अभी लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर क्लास 9th का किया था, जिसमें हमने दो क्लास पहले कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की तरह से थोड़ा सा पढ़ा था। और सेकेंड क्लास में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, उसके हमने पोस्टुलेट्स देखे थे, लिमिटेशंस देखी थी। और इसके बाद आज जो हम स्टार्ट करेंगे कि डाल्टन्स ने एटम के बारे में तो बता दिया, उसकी कुछ थ्योरी भी दी कि हाँ इसमें ऐसा होता है, और उनकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। उसके बाद उन्होंने कुछ एटम्स के सिंबल्स भी बताए थे कि एटम्स हैं बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनको हम डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे हमने पहले ऑक्सीजन देखा, फॉस्फोरस देखा था, ऑर्गन देखा, बहुत सारे हमारे एटम्स होते हैं, लेकिन उन सबको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी को हम कैसे बताएंगे कि हाँ ये एटम का सिंबल है, ये हमारे इस एलिमेंट का सिंबल है, ये इस एटम का सिंबल है। तो इन सबको भी उन्होंने एक अलग तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट किया था। तो आइए आज हम देखते हैं कि जो डाल्टन थे उन्होंने किस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया था। और इसके बाद जो हमारी आज की पीरियोडिक टेबल है, जो हम आज पढ़ते हैं मॉडर्न टाइम में, तो इसमें हम उन सिंबल्स को किस तरह से देखते हैं। तो डाल्टन ने किसी अलग तरह से रिप्रेजेंट किया था, जबकि जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न टेक्निक में हम इसे अलग तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और दोनों ही सिंबल्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं सिंबल्स ऑफ एटम्स। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम डाल्टन सिंबल फॉर डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट एटम्स। तो फर्स्ट कार्बन है, तो इन्होंने जो रिप्रेजेंट किए थे सभी एटम्स, तो एटम्स के जो इन्होंने सिंबल्स रिप्रेजेंट किए थे वो सारे सर्कल में रिप्रेजेंट किए थे। जैसे कार्बन है, कार्बन का उन्होंने ये सर्कल लिया, पूरा इसको फिल कर दिया। सेकंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को इन्होंने सर्कल में एक डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। थर्ड है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में उन्होंने सर्कल को एम्प्टी छोड़ दिया। नेक्स्ट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में उन्होंने इस तरह से तीन लाइन दी। फिर है लेड, लेड को उन्होंने अंदर एल लिख दिया। फिर है मरकरी, मरकरी को उन्होंने इसके आउटर सरफेस पर सर्कल के कुछ इस तरह से लाइंस की डिजाइन की, उसको इन्होंने मरकरी रिप्रेजेंट किया इस तरह से। फिर आया आपका प्लेटिनम, प्लेटिनम में इन्होंने अंदर पी लिख दिया। फिर सल्फर, सल्फर में इन्होंने सिर्फ सर्कल बना के अंदर पॉजिटिव का साइन दिया, प्लस का। आयरन में इन्होंने अंदर आई लिखा, कॉपर के लिए इन्होंने अंदर सी लिखा, गोल्ड के लिए इन्होंने अंदर जी लिखा, और सिल्वर के लिए इन्होंने अंदर एस लिखा। इन्होंने जो जितने भी हमारे एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट किया वो सर्कल की फॉर्म में किया, और सेकंड उनके अंदर इन्होंने अलग अलग वर्ड्स का रिप्रेजेंटेशन किया। और इसी तरह से इन्होंने सारे एटम्स और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया कि ये किस तरह से हम इनको पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन ये जो सर्कल की फॉर्म में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, ये पहली बात तो सारे एटम्स नहीं थे, क्योंकि हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अभी जो नॉन एलिमेंट्स हैं वो हमारे 104 कुछ हैं, जबकि 118 कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जिनमें से 108 यानी 104 एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन हैं। अब इतने सारे एलिमेंट्स को हम सबको सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आज जो मॉडर्न साइंस है उसमें हम इसे अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो और ये सब आपको याद भी रखने हैं कि किस सिंबल को, किस एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, या कौन सा सिंबल किस एटम को या एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट इसमें आते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को जो रिप्रेजेंट करता है सिंपल H, सर्कल नहीं बना सकते यहाँ पे, तो ये H की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, फॉस्फोरस P से, सिल्वर Ag से। ऐसा नहीं है कि जितने एलिमेंट्स हैं उनके फर्स्ट लेटर से इनको रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, ऐसा नहीं है। इनको अलग अलग तरह से भी रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे सिल्वर, सिल्वर को हम Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो हमारा पोटेशियम होता है, पोटेशियम का फर्स्ट लेटर क्या है, P है, लेकिन हम इसे K से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से सिल्वर को Ag से, आयोडीन को I से, एल्यूमिनियम को Al से, आर्गन को Ar से, बेरियम को Ba से, और बेरिलियम ये अलग है और बेरियम अलग है, तो बेरिलियम को Be से, कैल्शियम को Ca से, लिथियम को Li, नियॉन Ne, निकल Ni, ऑस्मियम Os,
और इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा हम कैपिटल लिखते हैं, और सेकंड अगर इसके साथ कोई भी वर्ड अटैच होगा जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो हमेशा स्मॉल में होगा। सिलिकॉन SI, आर्सेनिक AS, मैग्नीशियम MG, जिंक ZN, मैग्नीस अलग है और मैग्नीशियम अलग है, तो मैग्नीस को MN से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोरीन को CL से, कोबाल्ट को CO से, हीलियम को HE से, ठीक है। इस तरह से हम इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद एक और वर्ड आता है एटम्स को लेके, कि एटम है, जब एक एटम को हमने पढ़ा, जैसे हम कोई स्टार्टिंग का हाइड्रोजन ले रहे हैं, हाइड्रोजन का क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास नंबर 2 होता है, तो ये क्या है, सबसे छोटा एलिमेंट हुआ। इस सभी तरह के जो एटम्स या एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे छोटा कौन है, हाइड्रोजन है। लेकिन हाइड्रोजन का जो हमारा नंबर है वो क्या है, 1 है और मास नंबर 2 है। और छोटा क्यों होगा, कोई भी जिस तरह से इनकी हम स्ट्रक्चर अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम कर रहे हैं, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इसकी रेडियस छोटी होगी। किसी भी सर्किल को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे उसका एरिया वगैरह हम नापते हैं, उसकी रेडियस के अकॉर्डिंग, तो इसकी रेडियस जो होती है वो होती है 0.037 नैनोमीटर। और अगर यही कोई एटम उसका साइज बढ़ता जा रहा है तो साइज कब बढ़ेगा, जब उसकी रेडियस इंक्रीज करेगी, जब इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी तो इसका साइज भी बढ़ेगा। अभी इसकी रेडियस इतनी है, नेक्स्ट में इसकी रेडियस इतनी हो गई, इसका मतलब ये अलग एलिमेंट है और ये अलग एलिमेंट है। तो हमने यहाँ पे जैसे इसमें हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन की जो रेडियस होती है उसका साइज होता है 0.037 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर, ओके, तो -9 के इक्वल होता है। और फिर हम इसमें गोल्ड का लेते हैं, ये किसका है, हाइड्रोजन का एग्जांपल रेडियस है। नेक्स्ट हम गोल्ड की देखते हैं, तो गोल्ड की रेडियस होती है 0.144 नैनोमीटर, ओके, तो ये किसकी रेडियस है, गोल्ड की, और वो है हाइड्रोजन की। तो हम इससे क्या जान सकते हैं कि कोई भी एटम है, अगर एटम को हम बिगर फॉर्म में या बिग फॉर्म में देखते हैं, इसका मतलब है उसकी रेडियस चेंज हो रही है, रेडियस चेंज होगी तो उसका साइज भी चेंज होगा, ओके? हाँ, तो अभी हम सिंबल्स देख चुके हैं, मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग हम क्या सिंबल्स यूज़ करते हैं किसी भी एटम या एलिमेंट्स के लिए। और फर्स्ट क्लास में हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में और पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो आपको याद होगा मॉलिक्यूल्स क्या थे, ग्रुप ऑफ एटम्स को हमने मॉलिक्यूल वर्ड बोला था। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अगर कोई एटम्स हैं, एक एटम है, दो एटम है, तीन है, कितने भी एटम हो सकते हैं, ग्रुप हो सकता है एटम्स का, उसको हमने मॉलिक्यूल बोला था। तो इसके में हम क्या पढ़ते हैं, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सबस्टेंस। सबस्टेंस क्या है, कोई एलिमेंट हो सकता है या फिर कोई कंपाउंड हो सकता है। एलिमेंट क्या है, जिसमें मैक्सिमम 2 एटम्स प्रेजेंट हों, और कंपाउंड क्या है, जिसमें 2 से ज़्यादा भी एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये कैसा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसका, किसी भी सबस्टेंस का। और ये जो एग्जिस्ट करता है वो इंडिपेंडेंटली करता है, ये इंडिपेंडेंट रहता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता कि हाँ इसको एक और चाहिए, दो और चाहिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स किस तरह के होते हैं, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स, किसके बने हुए होंगे, एटम्स के, तभी तो हमने इसको बोला कि ग्रुप ऑफ एटम को हम मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। मेड अप ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट एंड कैन बी कॉल्ड, अगर ये एक ही तरह के एलिमेंट से बने हुए होंगे तो हम इसको बोलेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलेंगे हम, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का जो मीनिंग होता है वहाँ पर वो होता है सेम, एक ही तरह के एटम से मिलकर जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे उनको बोलेंगे हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल्स भी दो, पहले एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी ऑफ द एलिमेंट, कोई भी हमारे पास एलिमेंट है उसकी एटॉमिसिटी होती क्या है, एलिमेंट क्या है, लाइक CO, ये कोई एलिमेंट है, इसकी हमें एटॉमिसिटी बतानी है। होता क्या ये, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, एक हमारे पास कोई एलिमेंट है उसके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने एटम्स का बना हुआ है वो, उसको बोलेंगे हम एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो मोनो एटॉमिक
मॉलिक्यूल का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल या फिर वन। इसमें एक ही मॉलिक्यूल या एक ही एटम प्रेजेंट होगा, और एक एटम प्रेजेंट है तो एक ही मॉलिक्यूल का ये फॉर्मेशन करेगा। मॉलिक्यूल हैविंग वन एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल के लिए लेंगे हम एच ई को, अभी हमने एच ई किसका सिंबल था, हीलियम का। एन ई किसका सिंबल था, नियोन का। ए आर किसका सिंबल था, आर्गन का। ठीक है, अब इसके बाद डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डाई एटॉमिक का मतलब क्या है, डाई यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है टू। यहाँ पर दो हमारे पास कोई एटम्स हैं, दो एटम के मॉलिक्यूल से जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा होगा उसे बोलेंगे हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल हैविंग टू एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास दो एटम्स प्रेजेंट हैं उनको क्या बोलेंगे हम, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और मोनो एटॉमिक क्या था, जिसके पास सिंगल एक ही एटम प्रेजेंट था उसको बोला था हमने वन मॉलिक्यूल या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल क्या हैं, O2 का मतलब एक ऑक्सीजन ये हो गया, दूसरा ये हो गया। नाइट्रोजन N2, ये थ्री बॉन्ड से जुड़ता है N2। फिर है आपका Cl2, क्लोरीन, ये नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की बात हुई है यहाँ पे, और यहाँ जो बात हो रही है वो रही है क्लोरीन मॉलिक्यूल्स की। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा सब कुछ। सिंबल्स पढ़ाए, डाल्टन सिंबल्स पढ़ाए थे, फिर मॉडर्न सिंबल्स पढ़ाए हैं एलिमेंट्स के, और उसके बाद मॉलिक्यूल्स को थोड़ा देखा है क्या होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।